वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 29 में। तो लेकर आए हैं यहाँ पे 100 प्रश्न, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसा कि जिसका आंसर कर सकते हैं। बाकी रोज की तरह आपको यहाँ पे पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल वाइट एजुकेशन पे दे दिया जाएगा। तो वाइट एजुकेशन अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज जाके ज्वाइन करें और इधर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, बिहार दरोगा के स्पेशल एक्सक्यूज सेक्शन में। अगर आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं तो जोड़िए और उनके साथ एटलीस्ट एक जो पीडीएफ में देता हूं इसका बैठ कर क्यूज करा करें, आप लोग बैठकर क्वेश्चन आर करा करें ताकि आपको ये एग्जाम तक सारी चीजें क्लियर हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं, वाइट एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे जितने भी अपडेट होते हैं बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बीपीएससी के लिए हम आपको अपडेट कर देते हैं वहां पे, तो प्लीज वहां भी हमें, समझ गए ना। चलिए तो आज का पहला प्रश्न कहता है दोस्तों सैंधो सभ्यता से, सैंधो सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो देखिए सैंधो सभ्यता जो थी ये, चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये सर्वप्रथम चांदी की खोज हुई थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आंसर चांदी होना चाहिए, पर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं थे इन लोग, इन धातुओं से परिचित नहीं थे, तो वो था दोस्तों लोहा, लिख लीजिएगा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे सैंधो सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, चूंकि लोहा का ज्ञान जो है भारत में वैदिक काल में हुआ था, कब हुआ था वैदिक काल में, इसलिए यहाँ पे सैंधो सभ्यता के लोग जो थे वो इससे परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें कि, चलिए आंसर कीजिएगा, देखिए सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, सही बात है, जिसमें कि ईश्वर की स्तुति का मंत्र दिया गया था, क्योंकि ये जो ऐसा काल था वो वेद काल जिस समय ऋषि मुनियों का काल कहा जाता था, और ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति करने को कहा गया, उनके मंत्र के उच्चारण करने को कहे गए थे, आंसर ए होगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किनके द्वारा बाबा रामदेव की आत्मकथा माय लाइफ माय मिशन, देखिए ये बुक्स के नेम आपको याद रखने होंगे, स्टैटिक जीके का टॉपिक रहता है, ठीक है, तो इसको एक अलग से पेज पे बना के जरूर लिखा करें आप लोग, माय लाइफ माय मिशन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इस पुस्तक के नामक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे आंसर होगा इट्स ए, उदय माहुरकर के द्वारा ये लिखी गई थी पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के किस राज्य में जीएमआर द्वारा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा, आंसर है दोस्तों ये स्टेट है गोवा। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गोवा की राजधानी कहां है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, इट्स अ पणजी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज है यहाँ पे कि भारत में जो गोवा राज्य है वो जीएमआर द्वारा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का यहाँ पे मतलब निर्माण करवाया जा रहा है, और गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पणजी में ही है, इसका कैपिटल सिटी में, ठीक है। और भारत का अगर पूछ दे कि है आपका कैपिटल, माफ कीजिएगा, भारत का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रथम हवाई अड्डा कहाँ पे था, तो आपको आंसर करना होगा दोस्तों हैदराबाद। कभी भी पूछ दे अगर कि भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया, तो ये हैदराबाद में, जो कि 100% निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और भारत में हवाई अड्डों का नाम प्रायः नेताओं के नाम से जुड़ा हुआ रहता है जनरली, है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे हैदराबाद में आपका पहला था हवाई अड्डा इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, ये इतिहास का क्वेश्चन है। कनिष्क जो थे दोस्तों उनकी राजधानी थी पुरुषपर, नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग पेशावर कहते हैं आज की डेट में, ये पाकिस्तान में है, और कनिष्क जो थे वो मथुरा के द्वितीय राजधानी घोषित किए थे, ठीक है, कनिष्क जो थे मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किए थे, पर पेशावर जो था यानी कि जो अभी पाकिस्तान में है वो कनिष्क की पहली राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कीजिएगा, चीनी यात्री फाहयान जो थे निम्नलिखित में से शासन काल में भारत आया था, चलिए आंसर कीजिए इसका आप लोग छठा का, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर अगर आपका आ रहा है यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था दोस्तों चीनी यात्री फाहयान, ठीक है, याद रहेगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज राजदूत बनकर भारत आया था, और चीन का बौद्ध यात्री था फाहयान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया, और उसने अपनी यात्रा से वृत्तांतों में भारत के वर्णन किए और भारत का भ्रमण भी किया था इन्होंने, उन्होंने कहा था कि एक सुखी समृद्ध देश है हमारा भारत, के बारे में क्या कहा था इस चीनी यात्री ने कि एक सुखी समृद्ध देश है,
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान दरबारी कवि का नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 7th का, इट्स अ बी चंदरबाई, यहाँ चंदरदाई, ठीक है, चंदबरदाई, चंदबरदाई, ठीक है, इट्स अ चंदबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के नाम से प्रख्यात थे। और आपको बता दें कि चंदबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज राशो के एक पुस्तक भी लिखी थी, पृथ्वीराज राशो, याद रहेगा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था, चलिए आंसर कीजिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ए अपनी सेवा की क्षमता को कायम करना, इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन के बाजार, देखिए अलाउद्दीन के बाजार से रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन, तो आपको बता दें कि जो उनका नियंत्रण था वो मुख्य कारण था उनकी सेना की क्षमता को कायम रखना। अलाउद्दीन ने अपने बाजार को नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए एक नए विभाग के लिए दीवाने रियासत का गठन भी किया था, क्योंकि आपको उस समय बता दें कि उस समय के जो अनाज का व्यापार होता था उसको हम लोग जहाँ पे होता था उसको मंडी कहते थे, आज भी कहते हैं, ठीक है, वो तो ये नाम जो है वहीं से निकल कर आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीवाने रियासत, देखिए नाम तो पूछ ही दिया गया कि स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी, तो अभी आपको आंसर जो बताना है यहाँ पे आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी की रियासत में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मीराबाई समकालीन थी, चलिए आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्टार मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो मीराबाई जो थी दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, क्योंकि तुलसीदास के प्रभाव में राम रतन धन पायो जैसे गीत लिखे गए, और मीराबाई का विवाह जो है वो किससे हुआ था, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये थे दोस्तों भोजराज, ठीक है, भोजराज से हुआ था, और भोजराज चित्तौड़ के शासक राणा ग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज, ठीक है, राणा सांगा के बड़े पुत्र थे जिनसे इनकी शादी हुई थी मीराबाई की। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए आप लोग, 10 का आंसर बी होगा, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 11, मुगल काल के सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, मीर बख्शी, ठीक है, मुगल काल के सेना के प्रधान मीर बख्शी कहलाते थे, और बख्शी जो थे वो मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। अब यहां से एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों कि मुगल जो थे उस समय शाहजहां का जो शासन आया जब मुगल के बाद, ठीक है, शाहजहां के शासन आया और शासन काल में सरकार और परगना में जो मध्य चकला नाम से एक नई इकाई का स्थापना किया गया था, क्या, मध्य चकला, नोट कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से रिलेटेड है, और क्या कहते हैं शेरशाह सूरी के समकालीन ही अन्ना सिक्के का प्रचलन भी चलाया गया था, किसका, अन्ना जो हम लोग बोलते हैं एक अन्ना दो अन्ना तीन अन्ना, उसका जो प्रचलन था वो शेरशाह सूरी के दौरान ही चलाया गया था, तो रिलेटेड है। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था, तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतिहास का प्रश्न है, तो आपको आंसर तो यहां पे करना पड़ेगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों शिवाजी, मराठों को एक शक्ति के रूप में एक संगठित करने वाले थे महाराज शिवाजी, ठीक है, लिख लीजिएगा। 1943 की बात है जब आजाद हिंद फौज आईएनए सिंगापुर में अस्तित्व में आई, तो यहाँ पे माफ कीजिएगा यहाँ पे आपका जो आंसर है ये शिवाजी है, और यहाँ पे मराठों को एक शक्ति के रूप में शिवाजी ने संगठित किया था, और ये 1665 की बात है, ठीक है, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ, यहाँ मेरे से मिसगाइड हुआ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो पुरंदर की संधि थी उस समय 1665 की, इसके दौरान महाराजा जय सिंह ने शिवाजी के एक मध्य संपन्न हुआ उनके बीच में, और शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 में जयपुर के भवन में कैद भी किया था 1666 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थिति में कब आया, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी सिंगापुर में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, तो देखिए चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य है किसानों के द्वारा 3/20, जी हाँ
3/20 यानी कि आंसर यहाँ पे ये होगा, भूभाग पर नील की खेती करना, ये तिनकठिया कहलाता था, एक प्रथा थी, ठीक है याद रखिएगा। और चंपारण में यूरोपीय बगीचों की स्वामी नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार भी किए गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्रांति के तलवार में धार, देखिए बिहार का रिलेटेड क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन बन सकता है बिहार दरोगा में भी। क्रांति की तलवार धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, उपर्युक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी ने कहा था? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, जी हाँ, भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक पत्थर का रगड़ने से ही आती है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 8 अप्रैल सन 1930 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के एक केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर संपूर्ण राष्ट्र के लिए जागृति का एक धमाका दिया था इन लोगों ने। 9 अगस्त की बात है दोस्तों यहाँ पे 1925 ईस्वी की, जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर लेकर लखनऊ की ओर जा रहे थे, तो वहीं पर एक कांड किया गया, काकोरी कांड से वो फेमस हुआ। और ये काकोरी कांड में दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी भी दी गई थी 1927 में। और ये कांड किया था इन लोगों ने 9 अगस्त 1925 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 16 नंबर है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो ये हमें बताया थी कौन, तो कॉपरनिक्स ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ये ज्वार भट्टे उठते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल जो है बहुत हल्का होता है ना जल, तो ये उठने लगता है ऊपर की तरफ और ज्वार भट्टा का एक रूप भी लेता है। तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके करंट से बन सकता है कि जनगणना की बात है तो यहाँ पे 2021 में भी जनगणना होने वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी, मतलब कौन से स्थान पे थी ये, मतलब माफ कीजिएगा कौन से जनगणना हुआ था, हाँ ठीक है क्वेश्चन सही है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी भी थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, जो यहाँ 15वीं जनगणना थी दोस्तों 2011 की, ठीक है। अब जो 2021 में जनगणना होगी वो 16वीं होगी, ये याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे सूर्य जो है किरणों, सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 का आंसर कीजिएगा, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह पर परावर्तित होती हैं? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आयन मंडल में, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, दीर्घ रेडियो तरंगे जो है ये पृथ्वी की आयन मंडल सतह से परिवर्तित होती हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे आयन मंडल का संचार सप्रेषण की दृष्टि से काफी महत्व होता है, क्योंकि इस तरह के कारण हम रेडियो, टेलीफोन, रडार और आदि सुविधाओं के लिए प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिएगा, डेविड मालपास को हाल ही में किसका अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए यहाँ पे। आंसर कीजिएगा वर्ल्ड बैंक का, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीड़ जो पेड़ होता है, एक तरह का वृक्ष होता है, यह सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किसके एक पाए जाते हैं? चलिए किस एक में पाए जाते हैं, आंसर कीजिएगा टैगा में, उष्णकटिबंधीय मानसून में, भूमध्य सागरीय में या सवाना में? तो 22 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, टैगा में। जी हाँ, चीड़ के जो वृक्ष होते हैं वह सामान्यतः यहाँ पे
हाँ, सामान्यतः जो है चीड़ के पेड़ से जो दोस्तों माफ कीजिएगा यहाँ पे तेल निकालने का काम किया जाता है। और आंसर यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून होते हैं। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय मानसून जो जलवायु है वो प्रदेशों में पाए जाते हैं, और चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा बी दोस्तों, लिख लीजिएगा यहाँ पे आंसर आपका बी होगा। वैसे आंसर में आपको ए लिखा रहेगा पर ध्यान दीजिएगा वहां पे आंसर गलत है, ये टैगा नहीं, उष्णकटिबंधीय मानसून में ये होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 23 का आंसर कीजिएगा, इट्स ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्युमिनियम का। ठीक है, और आपको यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लोहा का अगर पूछे तो आपको बताना है चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। किसका? लोहे का। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तांबा का अगर पूछे तो चिली, पेरू और चीन। मैग्नीज का पूछे तो चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन। जस्ता का पूछ दे तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, भी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा किया जाता है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भी आकार की घाटी जो है नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है, अंग्रेजी में ये भी अक्षर के समान होता है, कुछ इस तरह का शेप बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो बी हो जाएगा आंसर, ये जाहिर सी बात है गर्म है ना, गल्फ स्ट्रीम जो है ये धारा गर्म जल की धारा है यहाँ पे। और गल्फ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें तो मैक्सिको की खाड़ी से लेकर न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती हुई ये धारा जाती है, पश्चिमी यूरोप तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए कल अगला क्वेश्चन है कि जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका की प्रमुख भूमि को जोड़ने वाली एक पास का नाम क्या है? जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाली, आंसर कीजिएगा दोस्तों, 26 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। जी हाँ, एलिफेंटा पास, नोट कर लीजिएगा, इट्स द एलिफेंटा पास, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, जाफना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाली ये पास है एलिफेंटा पास। और प्रवाल भित्ति एक विशिष्ट अंतः समुद्री भू आकृति है जो कि मूंगा, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, मूंगा सदृश सूक्ष्म समुद्री जीवों को अवशोषण से बनती है। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर, सियाचिन के बारे में क्या है बताना है? सियाचिन क्या है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, भारत और पाकिस्तान के बीच का एक हिम नदी है जो कि सीमांत क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिम नदी है जो कि सीमांत क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, आंसर ए होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके आधार पे? तो ये है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, भारत की राष्ट्रीय आय जो है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित की जाती है। और भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए YSR कांग्रेस प्रमुख जगमोहन रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ली है? तो YS रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, ठीक है, YSR कांग्रेस प्रमुख जगमोहन रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? ये करंट का क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए यहाँ पे, और आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, चलिए कब होती है वर्ष कब कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब होती है ये बताना है आपको। 30 का आंसर कीजिएगा, अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य में। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शीतकालीन जो मानसून होता है वो यहीं से उठकर निकलता है भारत में भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान या रबर? तो देखिए अगर बात करें हम नगदी फसल की तो ये है दोस्तों रबड़, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, रबर एक नगदी फसल है। रबर, जूट, कॉफी, चाय, कपास, तंबाकू, ये सारे के सारे जो फसलें हैं एक नगदी फसल हैं,
और रबड़ एक उष्णकटिबंधीय और विषुवतीय रेखाएं प्रदेशों में उपजाए जाते हैं। इसकी खेती के लिए औसतन 18 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का लावा मिट्टी का या लैटेराइट मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं वो मानी जाती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओमान की लेखिका जोखा अलहार्थी को उनकी किस रचना के लिए मैन बुकर ऑफ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ये मैन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2019 का सम्मानित किया गया है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 32 का, यहाँ पे जल्दी से करंट का क्वेश्चन है ये, तो 32 का आंसर हो जाएगा इट्स ए सेलेस्टियल बॉडीज इसके लिए, ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड दिया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीएट डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब प्राप्तकर्ता जो है यहाँ के आशुतोष अमन किस राज्य से हैं? ये भी करंट का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे ए बिहार से हैं, ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 34 का ए हो जाएगा, जी हाँ इट्स 1949, आंसर ए कीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स बी, यह एक केंद्रीय बैंक है, आरबीआई के नाम से जाना जाता है, जो कि बैंक दर यानी कि यहाँ पे अभी भारत में जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसको हम लोग बैंक रेट भी कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एडमायरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना को कौन से नंबर के प्रमुख कार्यभार संभाला है? चलिए अगर आंसर कीजिएगा दोस्तों, एडमायरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के कौन से नंबर के प्रमुख कार्यभार संभाला है, ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से, डी हो जाएगा आंसर 24वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आंसर कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, जी हाँ 37 का आंसर कीजिएगा दोस्तों 8 अक्टूबर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 38 का आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पे, इट्स अ बी कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान ये गाया गया है। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक मान्यता जो है 26 जनवरी 1950 को मिली थी, ठीक है, और जनगण मन जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित शब्दों में सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। 39 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये चार पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देखिएगा ध्यान से, सही क्रम में इसको लगाना है जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया। तो पहला है संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, जनराज्य और लोकतांत्रिक। 39 का आंसर थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, मैं आपको क्रम सही बता देता हूं यहाँ पे। तो पहला है दोस्तों संप्रभुता, ठीक है, दूसरा है समाजवादी, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आएगा, और उसके बाद लिखा गया है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये पहला है, और उसके बाद दोस्तों आएगा चौथे नंबर पे हमारा है लोकतांत्रिक, ठीक है, ये हमारा चौथा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों उसके बाद आया जनराज्य, जनराज्य यानी कि जनराज्य भी कहते हैं इसको, गणराज्य वही कहते हैं, ठीक है, जनता का राज्य, ठीक है, तो ये हमारा एक सही क्रम हुआ। तो आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, देखिए 1, 3, 2, 5, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति जब ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं होता है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी कर सकती है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 40 का अधिकार परीक्षा, जी हाँ अधिकार परीक्षा जो है इसको हम लोग क्यू वारंटो कहते हैं इंग्लिश में, का अर्थ है कि तुम्हें क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर
गैर कानूनी तरीके से कार्य करने लगता है और गैर कानूनी तरीके से किसी भी पद का वो फायदा उठाता है, तो उसे हम लोग अधिकार प्रक्षेत्र के रूप से हटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कीजिएगा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रखा गया? तो ये आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ये है शहर मुगलसराय, जिसका स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पे नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 42 देखेंगे अब हम यहाँ पे। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आंसर कीजिएगा 6 महीने तक। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जब संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा से प्रतिनिधित्व है निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दिल्ली होगा। और आपको बता दें यहाँ पे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसका जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है और राज्यसभा का गठन इनका 3 अगस्त, ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 अगस्त 1952, ये 52 है, ठीक है, 1952 को कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 45 का आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा ये वायुमंडल से है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वरुण 2019 का किस देश से साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास है? सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 45 का आंसर कीजिएगा, सॉरी 45 का आंसर कीजिएगा सी दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस से, वरुण ज्योग्राफी नहीं है वो। ठीक है, ये वरुण 2019 जो है भारत के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ठीक है, युद्धाभ्यास चल रहा है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच हो रखा है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 46, निम्नलिखित राज्यों में से निर्माण का सही क्रम बताएं। तो आपको बताना है यहाँ पे 46 का आंसर। देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले अगर किसी राज्य का गठन हुआ वो है असम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गठन हुआ दोस्तों यहाँ पे नागालैंड का, उसके बाद हुआ है दोस्तों यहाँ पे गठन आपके मिजोरम का, दिन जाके गोवा का। ठीक है, तो यानी कि 1 2 4 3 सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर कीजिएगा 47 का, इट्स ए 21 साल, सभी को पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 21 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा का अगर पूछ दे तो क्या कहिएगा, लोकसभा का अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो ये 25 साल, मैंने बताया है ना इसके बारे में। और आपको अगर पूछ दे दोस्तों कि राष्ट्रपति के पद के लिए अगर आपकी एज कितनी होनी चाहिए उसके चुनाव लड़ने के लिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा का अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा, राज्यसभा का, तो यहाँ से ये सब चीज़ें नोट कीजिए, 30 साल होना चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में 25 साल, और पंचायतों के लिए निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए 21 साल कम से कम होने चाहिए। चलिए सुधीर रमन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सुधीर रमन 2019 जो है कप जो है किस देश ने जीता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों 48 का यहाँ पे, चलिए 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ बी यानी कि चाइना। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए 49 का आंसर है दोस्तों यहाँ पे आप कीजिएगा, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आंसर कीजिएगा 49 का जल्दी से, रैखिक संवेग पे। जी हाँ, जेट इंजन रैखिक संवेग पर संरक्षण पे सिद्धांत पे कार्य करता है। संवेग संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार यह एक ऐसा अधिक वस्तु का निकाय है सिस्टम में जो कि बाहरी बल नहीं लगा पाता है और निकाय का कुल संवेग नियत रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, चक्रवात तूफान फेनी जो आया था, फानी तूफान आया था मई 2019 में निम्नलिखित में से किस तट पर आया था? तो आंसर कीजिए, 50 का आंसर आपको यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों, उड़ीसा होना चाहिए, है ना, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रहों के गति के नियम के किसने प्रतिपादित किया है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 51 का, कैपलर ने। ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको दे चुका हूं, सुमेलित करना है, चलिए 52 को सुमेलित कीजिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आंसर, आप लोग बता दीजिएगा। मैनोमीटर जो है गैस के दाब के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, गैस के दाब के लिए।
फैदोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं समुद्र की गहराई के लिए, जी हाँ समुद्र की गहराई के लिए, और कार्योमीटर, कार्योमीटर किसके लिए यूज करते हैं जल्दी बताइएगा आप लोग, निम्न ताप के लिए, और डेजीमीटर गैस के घनत्व के लिए। दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा या दोस्तों यहाँ पे 52 का जल्दी से बताइए, इट्स ए 2143 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे 53 का आंसर कीजिएगा, 53 का, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं अब यहाँ पे, और यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की दैर्ध्य अधिकतम होती है, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी अवरक्त की, जी हाँ। और ये आपको बता दें कि इंफ्रा रेड, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होती है, और इसका विकिरण जो है, इसका खोज किसने किया था, तो शैल नाम के एक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 54, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का सालाना बैठक 30 जून 2 और 10 जुलाई 2019 के बीच कहां हुई थी। नोट कर लीजिएगा, 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका, इट्स ये करंट का क्वेश्चन है, देखिए करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अजर बैजान यानी कि इसके जो सिटी है बाकू, वहां पे किया गया था विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की सालाना बैठक। घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलत, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों ये क्या है। 55 का आंसर कीजिएगा, समानांतर संबंध पर घरेलू विद्युत तार का स्थापना मूलत रखा जाता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के इसको कनेक्शन दिया जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा डी मोटर, यह नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद द्वारा मई 2019 में किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो 57 का आंसर कीजिएगा दोस्तों मसूद अजहर को, ठीक है, ये पाकिस्तान में छिपा बैठा है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक बाइट बराबर क्या होता है, आंसर कीजिएगा 58 का दोस्तों, 8 बाइनरी अंक होते हैं, जी हाँ नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी केंद्र पर वस्तु का, जी हाँ क्या होता है, चलिए 59 भी इंपॉर्टेंट है, ये द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, 60 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, गन मेटल किसकी धातु है, चलिए तो आंसर क्या होगा 60 का दोस्तों, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो इट्स अ डी यानी कि तांबा टीन और जिंक की, नोट कर लीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि तांबा टीन और जिंक ये तीनों ही मिश्र धातु है एक गन मेटल की, जिसमें कि, और इसमें आपको अगर कोई पूछ दे कि मिश्र धातुओं में कितना कितना परसेंटेज होता है क्या, तो देखिए पीतल में जो है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा बाद में, कभी साइंस की क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा। वैसे पीतल, कांस, डच मेटल, जर्मन सिल्वर और मैग्नीशियम और ड्यूलरोमिनियम, जी हाँ ये सारे के सारे मिला के यहाँ पे गन मेटल का भी निर्माण कराए जाते हैं, ओके, इन सब चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 61, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होते हैं, चलिए 61 का आंसर कीजिएगा, भारी जल के एक प्रकार का, या ये जो दोस्तों ऑप्शन है कि शीतलक का है, मंदक है, अयस्क है या ईंधन है, 61 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिस्टेक हुआ है, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। देखिए 61 का आंसर दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया इसका, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, जो मिथाइल अल्कोहल होता है यह एक तरह का विषैला द्रव्य होता है जिसका गंध जो है शराब की तरह होता है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल की बात की गई है। और ये 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारी जल का एक प्रकार होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन है शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है, चलिए तो 62 का आंसर कीजिएगा, इट्स बी मंदक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, बिहार से है, बिहार के बोधगया में 2018 में हुए बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जमात उल मुजाउद्दीन को किस देश ने मई 2019 में प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया था।
आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये भी करेंट का क्वेश्चन है अभी। जी हाँ, बांग्लादेश ने, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, बिहार में अभी बोधगया में 2018 में ही बम विस्फोट हुआ था जिसके जिम्मेवार आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन को बांग्लादेश ने 2019 मई में इसको एक सूची में डाल दिया था प्रतिबंधित सूचियों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय होता है, नोट कर लीजिएगा, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक, ठीक है याद रखिएगा। 65 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की एक सबसे अधिक सुचालक है? सुचालक यानी कि उसका गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा चांदी, जी हाँ सबसे ज्यादा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 66 का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, यानी कि 7.4 होता है रक्त का यहाँ पे मान, पीएच मान, ठीक है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 67, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? चलिए 67 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, सस्सी, पायस का, नोट कर लीजिएगा, दूध जो है पायस का एक उदाहरण है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब किसी भी कोलाइड में एक द्रव्य के सारे कण एक दूसरे द्रव्य से सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं तो लेकिन घुलते नहीं है, तो उस कोलाइड को हम लोग पायस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों 68 का, जी हाँ ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस, तो आंसर सी हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 का, नाभिक का आकार, देखिए सारे साइंस से क्वेश्चन अब आ रहे हैं यहाँ पे, नाभिक का आकार होता है दोस्तों ये बताना, ये देखिए 10 माइनस नहीं है, ये 10^10 है, 10^5 है, ये 10^9 है और ये 10^15 है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हो गया है पर यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं लोग, ठीक है। 69 में आंसर हो जाएगा दोस्तों 10^15 मीटर, ठीक है, नाभिक का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय और विलयन में डुबाए जाने वाले नील लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा इट्स ए, यानी कि लाल हो जाता है। जी हाँ, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने के चलते नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है और अम्ल के गुण जो है वो अम्ल के स्वाद से खट्टा होता है। ओके, 71 का आंसर कीजिएगा, सूचित को मिलाना है, यहाँ पे दो सूचियां दी हुई हैं, इन दोनों सूची को आपको मिक्सअप करना है, यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए मैं आपको मिला देता हूँ, मलेरिया जो है वो रक्त कोशिकाएं, जी हाँ इसको रक्त कोशिकाओं के साथ मिलाइएगा, और फलेरिया जो है लसिका ग्रंथि में पाए जाते हैं, फलेरिया लसिका ग्रंथि में पाए जाते हैं, और एंथराइटिस माफ कीजिएगा ये एंसेफेलाइटिस है, ठीक है, एंसेफेलाइटिस जो है ये मस्तिष्क का होता है एक तरह का रोग, और यहाँ पे ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो है दोस्तों इसको मिला दीजिएगा आप लोग बोन मैरो से, यानी कि मस्तिष्क मज्जा से, ठीक है, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का सुमेलन होगा और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। 72 का आंसर कीजिएगा, किसकी अध्यक्षता वाली समिति 21 मई, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को प्रस्तुत किया है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, 72 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पे 72 का, जी हाँ आंसर सी होगा, इट्स अ के, कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है? 73 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, प्रोटीन से होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। लार्वा, देखिए स्लाइवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है? 74 का आंसर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, स्टार्च का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, उपर्युक्त सभी, फयान भी किए थे, मेगास्थनीज भी और हेनसोंग भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 75 का, सभी के सभी इन्होंने जो है बिहार की यात्रा की थी, और फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, और हेनसोंग जो थे हर्षवर्धन के समय आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा यहाँ पे, जी हाँ 76 का आंसर कीजिएगा दोस्तों,
तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं वो आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है ये आपका, ठीक है, ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल आवश्यक है, जल और सूर्य प्रकाश आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये दोनों की आवश्यकता है, इसलिए आंसर एक और दो होगा यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारी जीव का वह भाग जो कि मीठा स्वाद बताता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, ये है दोस्तों अग्रभाग, ये बता देता है कि मीठा स्वाद है या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन, इट्स अ चाइना मैन कहते हैं। चलिए 78 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ 78 का आंसर हो जाएगा जो कि बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, जी हाँ, जिसको हम लोग चाइना मैन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। 79 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए शेर शाह खुद, जी हाँ आंसर कीजिएगा, शेर शाह खुद ने अपने इस मकबरे का निर्माण करवाया था मरने से पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। आंसर कीजिएगा दोस्तों एटी का, इट्स ए कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बीजक का रचयिता कौन है। 81 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, बीजक एक रचयिता है कबीर के द्वारा लिखी गई, तो कबीर दास इज द राइट आंसर, और कबीर दास रामनंदन के शिष्य थे और वे निर्गुण संत भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। 82 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रसिद्ध व्यक्ति विख्यात में सबसे पहले अगर हम बात करें पंडित जसराज की, वो एक हिंदुस्तानी गायक थे। किशन महाराज की बात करें तो तबला उस्ताद थे ये, और जुबिन मेहता की अगर बात करें तो ये सिमझनी थे, और भजन सोपरी की बात करें तो ये संतूर वादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, जो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है, नहीं है ये पूछा गया है, तो इसलिए आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जर्मनी की जो भाषा है वो एक आधिकारिक भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, केरल का राजकीय भाषा कौन सा है दोस्तों। 84 का आंसर कर दीजिएगा मलयालम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे राज्यों की भाषा के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ के जो सेक्स रेशियो यहाँ का वो भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे 184 है महिलाएं, 1000 पुरुषों पे यहाँ पे 184 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राज्य भाषा है। ये आंसर कीजिएगा, इट्स ए 9 राज्यों में जहाँ की राज्य भाषा जो है वो हिंदी है। नाम बता सकते हैं आप लोग, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, ये जो राज्य हैं उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है दिल्ली। ये टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। दोस्तों आर्टिकल 343 में संघ का राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रहेगा ये आर्टिकल 343 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंटार्कटिक में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया। 86 का आंसर कीजिएगा, ए दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87, चमका निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी बांग्लादेश के, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, चमका जो है शरणार्थी वो बांग्लादेशी होते हैं, और ये शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में रहते हैं, और एक और है रोहंगिया, वो भी शरणार्थी जो है जो कि म्यांमार के हैं, म्यांमार में सबसे ज्यादा हैं, जो मूलतः बांग्लादेशी ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 88, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 88 का आंसर कीजिएगा 8 मई, जी हाँ 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मैं आपसे अगर पूछूं तो यहाँ पे बताना है आपको 5 जून, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर और विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चीजें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? निम्न है ना, सबसे कम। चलिए तो 89 का आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, सिख धर्म है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक नवीन जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो सिख धर्म में है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? 90 का आंसर कर दीजिएगा, सन 1969 में किया गया था, ठीक है। आंसर कीजिएगा एनडी का सी, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम सन 1969 में इसको दिया गया। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सन 1969 में बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक है आपका, और जो शेष पांचवा क्षेत्र में 1901 ईस्वी में दिया गया था, जैसे कि भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है ये। 92 का आंसर कीजिएगा, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? 92 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों 93 का, इट्स बी, वैशाली में। जी हाँ, ये बौद्ध संगीति जो थी इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और इसके कौन अध्यक्ष थे, शासक कौन थे उस समय, और ये कब किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दूसरी बौद्ध संगीति आयोजन वैशाली में हुई, और प्रथम कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों आपके अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है। और आपको इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे सभाकामी, और ये इसके शासक कौन थे उस समय, कालाशोक, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। और तृतीय बौद्ध संगीति अगर पूछ दे तो मोगली पुत्र सिस्टम बताना है। चौथी पूछ दे तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये उसके शासक थे कनिष्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो आंसर दीजिएगा 45.85% जो जमीन था वो झारखंड में जा चुका है, और 65% जो है भाग बिहार में भी है फिलहाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? आंसर कीजिएगा 95 का आप लोग यहाँ पे, इट्स अ बी, यानी कि डेरिस प्रथम। जी हाँ, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था डेरिस प्रथम, और ये 520 से 522 बिफोर क्राइस्ट में सिंध को जीत कर अपना 20वां प्रांत बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य, किस स्थान पर है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए बिहार से रिलेटेड है ये। आंसर कीजिएगा सी, कुशीनगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिस जिला में सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है। तो देखिए बिहार दरोगा का एग्जाम है, तो आपको यहाँ बिहार स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि लास्ट में हमेशा अक्सर 10 ऐसे प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है। तो 97 का आंसर कीजिएगा डी, रोहतास। बिहार का वह जिला का नाम बताइए जिसमें कि सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है, वो जिला है दोस्तों रोहतास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 98, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध त्रियात्रों में शामिल नहीं है? तो आंसर कीजिएगा अहिंसा। जी हाँ, ये एक महान ग्रंथ है इनके, ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है, तो अहिंसा, ठीक है। अहिंसा बौद्ध त्रिरत्नों में, ठीक है, त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, ठीक है। त्रिरत्न में शामिल कौन कौन है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। अगला क्वेश्चन है 99 का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? जैन धर्म का नहीं है तो दोस्तों आंसर कीजिएगा इट्स ए, शून्यवाद, जैन धर्म फॉलो नहीं करता है। शून्यवाद का जनक कौन था? तो नागार्जुन थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है आज हमारा कि अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 100 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अजात शत्रु 1493 में मगध की गद्दी पर बैठा था, और अजात शत्रु का शासन काल 92 यानी कि 492 से लेकर आपके 93 तक था, उसके बाद फिर 459 से लेकर 60 बिफोर क्राइस्ट में था,
ठीक है। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आपको मैंने 100 क्वेश्चन का सिनारियो दिया है। वीडियो कैसा लगता है आप लोग लाइक करके जरूर बताएं, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में जो कि दूर दराज के गांव में बैठकर तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप तक पहुँच सके, घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकें। कोई भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, ठीक है। तो आज के इस सिनारियो में इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहें, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे करेंट अफेयर की क्लास में।